आकाश, ये तजुर्बा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, देखना कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, जिंदगी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। मैं भी आज तक इसी उम्मीद में जिंदा हूं कि शायद मेरी जिंदगी बदल जाए, पर मैं अगले साल लौट के आऊंगा और कर्नल अभ्यंकर आप ही मुझे एवरेस्ट की चोटी तक ले जाएंगे। नहीं ना सर, एवरेस्ट का और मेरा रिश्ता अब खत्म। मैंने भी बहुत प्यार किया था एवरेस्ट से, लेकिन अब मेरे पास भी कुछ भी नहीं बचा उस पर कुर्बान करने के लिए। शिव, जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी से नफरत करना, इससे बढ़कर कोई बदनसीबी नहीं हो सकती। पर तुम देखना, he will come back, क्योंकि कर्नल अभ्यंकर और एवरेस्ट का रिश्ता खत्म नहीं हुआ। he will come back। अच्छा आकाश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो मिस्टर रोंगटा मिले थे मुझे और मैंने आकाश, आई होप यू स्टिल रिमेंबर तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है, या मुझे भी तुमसे मिलने के लिए लाइन में आना पड़ेगा। इन माई टेंट नाउ, आई मीन नाउ, ओके। नासिर, मैं अभी आता हूं। जाओ, गो। कहाँ है सरपेज, कहाँ है? आकाश, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, सरपेज कहाँ है? नहीं लाया मैं। नहीं जान, हमारी जिंदगी हमेशा आपके प्यार में भीगी रही, जब आप साथ थे तब भी और आज नहीं है तब भी। हमारी जीने की वजह आपका प्यार ही है। आज हम आपको याद नहीं करते, कभी भूले ही नहीं जो याद करे। आप कहते थे कि एवरेस्ट स्वर्ग और धरती के बीच का पड़ाव है, इसलिए हम इस सरपेज को जिससे आपको इतना लगाव था एवरेस्ट की चोटी पर भेज रहे हैं। अभी आपके और हमारे बीच रहेगा, हमें जोड़ता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, आपकी अपनी पद्मिनी। Thank you.
मुझसे मजाक मत करो आकाश। नहीं लगेगा क्या मतलब है? नहीं मिला मुझे मिस्टर रुंगटा, सब जगह ढूंढा मैंने, वहां सिर्फ लोगों की यादों के अलावा और कुछ नहीं था। मेरी मानिए, आप भी उसे भूल जाइए। आकाश डोंट लाइक मी, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं जानता हूं मिस्टर रुंगटा आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अगर रीना ने आपको ऐसे चलाते हुए सुन लिया और मुझसे सवाल करने लगी, तब भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आई टेल हर कि सेंचुरी कॉर्प ने ये एवरेस्ट मिशन क्यों स्पॉन्सर किया था, क्या वजह थी कि अर्जुन के जाने के बाद आपने मुझे भेजने का फैसला किया था। एंड आई एम श्योर अर्जुन भी झूठ नहीं बोलेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि मीडिया में आपकी इमेज ऐसी बनी रहे, तो अंजलि, अर्जुन या मुझे, हमें धमकाने की कोशिश ना करें, वरना सरपेज के बारे में बात करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कितने बजे? हम कितने रहा तो मुझे? मैं वैसे एवरेस्ट की चोटी मैंने सेंचुरी का आपका झंडा फहरा दिया था, फोटो भी लिए, आपको भेज दूंगा। Get out. एक नया असाइनमेंट मिल रहा है, क्रिश्चियन बेड, न्यूजीलैंड का क्लाइंबर है, कहते हैं माउंटेनियरिंग की दुनिया में अगला सेंसेशन है ये। एवरेस्ट चढ़ना चाहता है? अभी अभी उसका फोन आया था मुझे, चाहता है कि मैं उसकी टीम ज्वाइन करूं। ए, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए भी बात कर सकता हूं। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। 25 साल का है, आकाश और अंजलि के बाद अब एक और यंग क्लाइंबर के साथ काम करने में बड़ा मजा आएगा यार। एक्सक्यूज मी मिस्टर खन्ना, सॉरी मैं आपकी बात सुन रहा था, आई नीड अ फेवर। ये क्रिश्चियन बेड जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल? या आई हैव, यू वांट, कैन आई गेट इट प्लीज? फॉर श्योर, एब्सोल्युटली। सर लगता है आपको भी एवरेस्ट का चस्का लग गया है। Thank you.
हितेश अर्जुन 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 आर यू ओके अंजलि 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 आइसैक्स वो रस्सी से लटक रहा है सर चांद रस्सी से लटक रहा है रस्सी काट दो प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन